Welcome to Team Tech. So here is my secret to get free movie tickets every month. मैं बहुत सारे तरीके यूज़ करता हूँ खुद के लिए भी, हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए भी, फैमिली मेम्बर्स के लिए भी. हाउ टू गेट मूवीज़ एट डिस्काउंटेड प्राइस, और छोटा मोटा डिस्काउंट नहीं दोस्तों, 50% तक का डिस्काउंट. 800 की टिकट जो है 300 में हो रही है, 400 में हो रही है, 500 में हो रही है, ऐसे चले जा रहा है. और थोड़ी बहुत हाइप मैंने क्रिएट करी है, तो बहुत लोग वेट कर रहे थे इस वीडियो का. और फाइनली चैनल ने 1000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस की हैं, और इसी खुशी में हियर इज़ माय सीक्रेट. अगर आपने कोई भी पार्ट यहाँ से स्किप किया, आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आएगा. और प्रोसेस देखिए, थोड़ा सा हमें अपने दिमाग का यूज़ करना होगा. तो जो फर्स्ट मेथड है वो है मेरा कोटक का PVR क्रेडिट कार्ड. सो मैं इस कार्ड को बेसिकली लास्ट 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ, और ये एक गेम चेंजिंग क्रेडिट कार्ड है. अब आप लोग बोलोगे यार ये तो क्रेडिट कार्ड है, बुरा होता है, ये होता है, वो होता है. रुको, सब्र करो, ऐसा नहीं होता है. अगर आपको कोई एक वीडियो चाहिए क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर, तो मैं वो भी दे दूंगा कि हाउ क्रेडिट कार्ड चेंज माय लाइफ फॉर पर्टिकुलर टाइम. अभी सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि हाउ ये क्रेडिट कार्ड मेरे को हर महीने फ्री में टिकट देता है. कोटक का क्रेडिट कार्ड है इन पार्टनरशिप विद PVR. ये PVR की आप इस पर बैजिंग भी देख सकते हो, यहाँ पे टॉप पे PVR की बैजिंग है. तो ये एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है. आप हर मंथ 10,000 rupees स्पेंड कीजिए. आप वो फ्यूल में स्पेंड कर सकते हैं, अपना घर का बिजली का बिल भरने के लिए स्पेंड कर सकते हैं, पानी का बिल भरने के लिए स्पेंड कर सकते हैं, स्कूल की फीस भर सकते हैं, किसी भी तरीके से जस्ट स्पेंड 10,000 rupees. अब आप ये मत बोलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप खर्च ही करो, ज़बरदस्ती कोई सामान लो या बोलो नहीं. जो आपका हर महीने का घर का खर्च होता है, रेगुलर खर्च होता है, उन खर्चों को अकाउंट की जगह क्रेडिट कार्ड पर शिफ्ट करो. देखो खर्च तो आप वैसे भी कर ही रहे हो, अकाउंट से पैसे कट रहे हैं, डेबिट कार्ड से कट रहे हैं, तो उसकी जगह क्रेडिट कार्ड पे खर्च करो वो चीज़. तो यहाँ पे बेनिफिट जो है आपको हर महीने, जैसे ही आप 10,000 rupees स्पेंड करेंगे, आपको 800 rupees के वाउचर्स मिलेंगे. 2 वाउचर्स मिलेंगे 400 each. तो इसका रिटर्न रेट हुआ 8% हर महीने. यू गेट 8%. नॉर्मल FD भी 8% तक क्रॉस नहीं करती है. बैंक का इंटरेस्ट आपके सेविंग्स अकाउंट में 8% तक क्रॉस नहीं करता है, बट हियर यू गेट 8% रिटर्न. तो जैसे ही आप मंथली 10,000 स्पेंड करेंगे, आपकी कोटक की जो ऐप होगी उसमें रिडीम और क्लेम का ऑप्शन आपको मिल जाएगा. 15 minutes 2 tickets आपको मिल जाएंगी. और उसके बाद जैसे ही ये 2 tickets आपको मिलेंगी, ये कूपन कोड होगा बेसिकली. आपको क्या करना होगा, PVR की ऐप पे जाना होगा. तो प्रोसेस याद है ना आपको, डायरेक्ट स्कट वाली वीडियो में बताया था कि कैसे कहाँ पे कूपन लगाना है, M-कूपन. तो मैं उसका लिंक यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है. आप वो वीडियो देख लेना कि उनको रिडीम करने का प्रोसेस है. यहाँ पे बताने का कोई मतलब नहीं है, वीडियो बेवजह लंबी बनेगी. मान लो आपकी कोई एक टिकट है 400 rupees की, 2 टिकट 800 rupees की, तो 2 tickets पे आप 2 vouchers लगा सकते हो. 1 ticket परचेज करोगे तो 1 voucher लगेगा 400 का, ठीक है. तो 800 की टिकट हुई, 800 के वाउचर्स हैं, तो वो नील हो जाएगा वो बैलेंस. यू ओनली पे द टैक्सेस. अगर आपकी टिकट 300 की है, 2 tickets 600 हो गए, तो 600 में से जो है आपका टोटल बैलेंस यूज होगा 800. ये बैलेंस कभी भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा. तो हमें कोशिश करनी होगी कि अराउंड 400 के आसपास का ही कोई टिकट ले, वरना वो बाकी जो बैलेंस है वो वेस्ट हो जाएगा. तो सिमिलरली अगर आप डायरेक्टर्स कट में देखने जाओगे, यहाँ पे टिकट ही 800, 900, 700 और कभी कभी वीकेंड्स पे 1500 तक पहुँच जाती है. तो उसमें अगर मान लो 1000 rupees की टिकट है, 2 टिकट आप लोगे, 1000 + 1000, 2000 and taxes, तो उसमें से 800 माइनस हो जाएगा. तो 2000 में से 800 गया, तो 1200, तो 1200 प्लस टैक्सेस आप पे करोगे. तो ये डिफरेंट परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है जो आप लगा सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से. मैं नहीं कह रहा कि आप डायरेक्टर्स कट में ही देखो, आप कहीं पे भी देख सकते हो, जहाँ पे आपको कंफर्टेबल लगे, जहाँ पे आपकी पॉकेट आपको अलाउ करे. तो विन विन फॉर यू. आपने एक्स्ट्रा कुछ पे नहीं किया यहाँ पर, आपने सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट्स लिए, 8% का रिटर्न उठाया, मूवी टिकट जीती. तो ये एक मेथड है जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ हर महीने अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, और कभी कभी दोस्तों के लिए भी टिकट्स बुक कर देते अगर बची होती है तो. और आप लोग भूलिए, आप लोगों के लिए कितने टिकट्स बुक करी है, ठीक है. तो ये एक मेथड है. ये है कोटक के साथ, कि आपको कोटक के कार्ड की ही ज़रूरत पड़ेगी. अब आते हैं दूसरे मेथड पे. ये एक जनरल मेथड हुआ, एक सबके लिए मेथड हुआ, कि
आपके पास कोई भी बैंक का क्रेडिट कार्ड हो, अब इट डिपेंड्स ऑन योर बैंक का रिवॉर्ड पॉइंट सिस्टम क्या है। एक्सिस, HDFC, इंडसलैंड बैंक, काफ़ी सारे बैंक हैं ऐसे जो आपको वाउचर्स देते हैं अगेंस्ट योर रिवॉर्ड पॉइंट्स। आप किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हो तो आपको जो है वाउचर्स मिलते हैं, आपके एक रिवॉर्ड पॉइंट्स इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। उन रिवॉर्ड पॉइंट्स को आप जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं टू गेट दी वाउचर्स। तो ये सेकेंड मेथड वही है, मैं एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज़ करता हूँ, तो एक्सिस बैंक का जो है वो है एज रिवॉर्ड्स पोर्टल। तो वहाँ पे टोटल जितना भी आप क्रेडिट कार्ड से स्पेंड करते हो, डिपेंडिंग कहाँ आप स्पेंड करते हो, तो 1-2% के बीच में डिपेंडिंग कौन से वेरिएंट का कार्ड, आपके रिवॉर्ड पॉइंट्स इकट्ठे होते रहते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी मेरे पास जो है 20,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स इकट्ठे हो रखे हैं। तो इन 20,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स से मैं PVR के वाउचर्स लेता हूँ, आपको प्रोसेस दिखाता हूँ आप कैसे ले सकते हो, और आप भी ले सकते हो, आप एक्सिस के ले सकते हो। आपका कौन सा बैंक है, जल्दी से उनके रिवॉर्ड्स पॉइंट चेक करो, कहाँ उनका पोर्टल है, कैसे आप रिडीम कर सकते हो। कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो ना, मैं किस लिए बैठा हूँ, मैं बताऊँगा आपको प्रोसेस। तो ये वाला जो प्रोसेस है वो एक्सिस बैंक के थ्रू है, आप अपने बैंक का चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे हम एक्सिस बैंक की वेबसाइट पे गए, ये एज रिवॉर्ड्स पोर्टल पे हम गए, आप यहाँ देख सकते हो कि RLR, WPVR सबके वाउचर्स हैं। इधर देखिए, ये PVR के वाउचर्स हैं, तो 2500 पॉइंट्स का एक 500 का वाउचर हमें मिल रहा है यहाँ पे। रिडीम नाउ पे गए, पेज लोड होगा, इंस्टेंट ई वाउचर ऑनलाइन। सो ये वाउचर भी है जो ये सीधे के सीधे PVR की ऐप पे यूज होगा, बुक माय शो पे नहीं यूज हो रहा है, PVR की ऐप पे यूज होगा। PVR की ऐप पे आप लॉग इन कर लेना अपने मोबाइल नंबर से, ईमेल एड्रेस से, वहां पे यूज होगा। PR का ये वाउचर है, तो वहां पे एक सेक्शन है, दिखा रहा हूँ, देखो 500 का हम वाउचर रिडीम करेंगे, रिवॉर्ड पॉइंट जो 500 के वाउचर्स के लिए चाहिए 2500। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वांटिटी 1, 2, 3, 4, 4 क्वांटिटी ले ली है, 10,000 पॉइंट्स, 4 वाउचर्स, देर यू गो, या आपके रिवॉर्ड पॉइंट्स बैलेंस। तो यहाँ पे हमने अपना ऑर्डर कंफर्म कर दिया है, आपको ऑर्डर रेफरेंस नंबर मिलता है, और विद इन 5 मिनट में वाउचर्स आपके मोबाइल नंबर पे और ईमेल एड्रेस पर आ जाते हैं। तो जैसे ही वो आएंगे हम तुरंत उनको रिडीम करेंगे PVR की ऐप से। तो आप मोबाइल से भी यूज़ कर सकते हैं इन वाउचर्स, और आप वेब ब्राउज़र के थ्रू भी लॉगिन करके कर सकते हैं। मैं वेब ब्राउज़र के थ्रू लॉगिन कर रहा हूँ, थोड़ा स्क्रीन बड़ा रहेगा और समझाने में ईजी होगा आप लोगों को। हमें लॉगिन करना है अपने अकाउंट पे, उस टाइम पे जुगजुग जियो आ रही थी, तो आई वॉज ट्राइंग टू बुक फॉर जुगजुग जियो। तो उस पे गए, अपना फेवरेट सिनेमा हॉल सिलेक्ट कर लेना, वी सिलेक्टेड डायरेक्टर्स कट यहाँ पे। तो 900 की टिकट है, दो टिकट हुई 1800 की, इस पे लगेंगे प्लस टैक्सेस। तो अब आप ऑर्डर टोटल देखिए 1941, ठीक है, 141 रुपीज़ के टैक्सेस लगे हैं, 1800 की टिकट है। तो अगर आपके जो गिफ्ट कार्ड वाउचर्स हैं मान लो 2000 रुपीज़ के हैं और आपका टोटल 1941 हो रहा है, तो हमें इसमें कन्वीनियंस फी नहीं देनी, कन्वीनियंस फीस भी इन गिफ्ट कार्ड के वाउचर्स के अंदर इंक्लूड हो जाती है। तो बेसिकली हमारे सिर्फ जो 50 रुपीस होंगे वो वेस्ट होंगे। तो कोशिश करनी है हमारा ऑर्डर टोटल जो हो वो हमारे नंबर ऑफ गिफ्ट कार्ड जो हैं उनके आसपास का हो। तो मैंने जैसे 2000 का था हमारा गिफ्ट कार्ड वाउचर्स, और हमें जो है बिल देना है 1941 का। तो यहाँ पे बहुत ईजीली है, हमें चारों वाउचर्स ऐसे यूज़ करेंगे और इस ऑर्डर टोटल को जीरो ले आएंगे। तो ऐसे हमें यूज़ करना है। पेमेंट पेज पे जैसे ही आएंगे आप, तो स्क्रोल करके सबसे नीचे जाना, गिफ्ट कार्ड चूज़ करना। गिफ्ट कार्ड चूज़ करने के बाद यहाँ पे वाउचर्स हैं, एक एक करके सारे वाउचर्स डालना। तो हमने सारे वाउचर्स ऐसे करके रिडीम कर दिए, ऑर्डर टोटल हमारा जीरो आया। सो दीज वर दी फ्यू मेथड्स आई डिस्क्लोज टू यू इन दिस वीडियो। तो दो मेथड मैंने आपको इस वीडियो में बताए, और ये दोनों ही PVR की ऐप से लिंक्ड है। और भी बहुत तरीके हैं जो डायरेक्ट मैं बुक माई शो पर यूज़ करता हूँ, पर मैं आपको धीरे धीरे बताऊँगा। एक ही वीडियो में सब कुछ बता दिया तो फिर वीडियो थोड़ा देखोगे आप। और वीडियो अगर पसंद आई तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और भी लोगों को एनलाइटन कीजिए कि हाउ टू गेट फ्री मूवी टिकट्स। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और क्या क्या बोल सकते हैं इस चीज के लिए एंड करते हुए, नहीं कि कुछ और बचा है वीडियो में बोलने के लिए। और हाँ, ये वाला कार्ड मेरा पुराना है, पता चले मेरे कार्ड से ही बुक करने की कोशिश कर रहे हो, दूसरा कार्ड आ चुका है मेरे पास। और क्या बता सकता हूँ, कुछ बोल सकता हूँ? अरे रुक जाना, एक सेकेंड, पेशेंस। और क्या हो सकता है मुझसे ज़्यादा, तो तुझे पता है मैं क्या ही बताऊँगा इसमें कि और क्या बोल सकता है। फिर भी और क्या चीज़ बची है, सब कुछ तो बता दिया है। फूड के वाउचर परचेज कर सकते हैं, वो भी नहीं बताएंगे, वो बाद में भी बताएंगे।
डीवीडी में बताएंगे, सारे राज एक साथ नहीं खोल सकते ना, धीरे 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 करके। Thank you.